हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा सतीश जी की कोच में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट 13 लेके आए हुए, तो आप सभी इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मॉक टेस्ट को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां कि आप घर बैठे अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं आप सभी। अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई प्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लेके आए आप सभी के लिए फ्री प्लान, जहां आपको वीकली 300 प्लस लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस में फ्री लाइव क्विज डेली आपको दिया जाता है, जो कि 20,000 क्वेश्चन का ये टारगेट है, ताकि आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। प्लस में डेली T20 का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जहां के 20 क्वेश्चन आपको डेली करवाया जाता है 8 बजे रात में। ये बिल्कुल फ्री प्लान है। अभी जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद गोल में बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए। बीपीएससी को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी टॉप एजुकेटर क्लास करना चाहते हैं तो क्लास को एक्टिवेट करने के लिए आप सभी युवा 10 का प्रयोग कीजिए, क्लास एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आप बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करके क्लास करना शुरू करें आप सभी। आज किस मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो हम सभी कह सकते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं विधानसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पर राज्यसभा का सदस्य जो चुने जाते हैं वह 6 वर्ष के लिए। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। बी राइट आंसर है ए बी। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, पर ए और बी में और ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायित है। तो हम सभी कह सकते हैं राज्य के राज्यपाल जो कार्य जो करते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होकर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। बी राइट आंसर है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। चलिए बताइएगा राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है। ए राइट आंसर है डीएम, जिसे आईएएस कहा जाता है, ये जिला का प्रशासनिक प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते, पर समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी को निलंबित कर सकते हैं आपातकाल के दौरान में। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन और नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से निकलती है सोन एवं नर्मदा। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यह बन रहे हैं, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो हम सिर्फ कह सकते हैं यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु अध्यादेश जारी करे, तब क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 में लिया गया है यूएसए देश से, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं।
ए राइट आंसर है सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए हैं संविधान में। अगर बात करें हमसे मौलिक कर्तव्य के बारे में तो यह है संविधान के भाग 4A में, और अनुच्छेद की बात करें तो 51A में रखा गया है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अति चालक हैं। सी राइट आंसर है सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, रॉकेट में किया जाता है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो यह किया गया है भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो देखिए याद रखिएगा होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है होलोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, सी राइट आंसर है 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, सी राइट आंसर है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा, तो हमसे कह सकते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं तारे अपनी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेसर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो प्रतिरोध समांतर जुड़े हुए तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, तो हम सीख कर सकते हैं इनका संयुक्त प्रतिरोध कम होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो हम सीख कर सकते हैं पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह जलमंडल है, बी राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी, तो हम सीख कर सकते हैं धान का खेत, यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, मोटर रूपांतरित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, मोटर रूपांतरित करता है, सी राइट आंसर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है मोटर, वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत चुंबक किसमें उपयोग होता है, तो हम सीख सकते हैं विद्युत घंटी, परंपरागत टेलीफोन, डायनमो, ये सभी में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन कौन सी बार बार चार्ज होने वाली बैटरी है, डी राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी, लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ये सभी चार्ज हो जाने वाली बैटरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। चलिए बताइएगा मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो हमसे कह सकते हैं बोध मठ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहां अवस्थित है, राजगीर में अवस्थित है, सी राइट आंसर रहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी कहां पे हैं, राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है, सी राइट आंसर रहेंगे तांबा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? तो ये एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो हम से कह सकते हैं विक्टोरियन ग्रीक ने किया था सबसे पहले आक्रमण भारत पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। उदयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा उदयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हम से कह सकते हैं इनमें असत्य है ऑप्शन नंबर सी, उसने उज्जैन के राजा को अनेकों बार पराजित किया, यह बिल्कुल असत्य है। जबकि सत्य क्या है? सिहाली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने अजाशत्रु की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। उसने गंगा एवं गंडक नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे मगध की राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। उसके बाद मगध के हर्यक वंश का कोई उल्लेखनीय शासक नहीं हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बिंबिसार ने अपने राजबल्लजीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? सी राइट आंसर है अवनीति की। अवनीति के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने अपने राजबल्लजीवक को। अगला क्वेश्चन देखिए किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? सी राइट आंसर है कनिष्क को। इसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके समय में चतुर्थभुज संहिता आयोजित हुई थी कुंडल ग्राम में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चलिए बताइएगा, इससे पहले यह क्वेश्चन हो चुके थे, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो हम सभी कह सकते हैं पूर्व गंग वंश के द्वारा करवाया गया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? बी राइट आंसर है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो ध्यान में रखिएगा बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? ए राइट आंसर है बाघ भट्टा था। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 1760 में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच सेना को हराकर उनकी शक्ति को भारत में पर्याय समाप्त कर दिया? सी राइट आंसर है वांडीवास की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे आमर्स एक्ट निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए राइट आंसर है लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? बी राइट आंसर है यूनान देश से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था? तो हमसे कह सकते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक खगोलविद था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है अमृतसर की स्थापना किसने की थी? ए राइट आंसर है गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड थे। ए राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बने हुए झील को कहते हैं? तो इसे गोखुर झील कहा जाता है। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए केसर का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। बी राइट आंसर है केसर का सबसे अधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में है और इसी नदी पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
चलिए बताइएगा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हम सिर्फ कह सकते हैं गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, बी राइट आंसर है, क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो हम सी कह सकते हैं प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण, ये भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये सभी क्या है संविधान के उद्देशिका में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। चलिए बताइएगा आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भोजपुर ए राइट आंसर है। भोजपुर का सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, जबकि कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, ये सभी का सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, हम्पी निम्नलिखित में से किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के इस सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए, आज का इस सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का इस सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और जो भी फ्रेंड चैनल से नहीं जुड़े हुए सभी चैनल से जुड़ेंगे और घंटी को प्रेस करेंगे आप सभी, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा, जय हिंद। तो आइए जानते हैं अनअकैडमी पे बीपीएससी के लिए क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो बहुत सारा बेनिफिट आपको दिया जा रहा है अनअकैडमी पे। तो यहाँ देख सकते हैं आप सभी कुछ अनअकैडमी पे जो कि बीपीएससी के लिए बेस्ट एजुकेटर हैं, जो आपको गाइड करते हैं, क्लास देते हैं। अगर आप सभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी को सिलेक्ट करना है गोल में। उसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी क्या करेंगे, जब सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो वहाँ आपको एक कोड डालना पड़ेगा, कोड में आपको यूज करना है युवा 10 का, जिससे कि आपको 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अभी ऑफर भी चल रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस में आप कोर्स कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार SI या BPSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जरूर एक बार अनअकैडमी पे विजिट करें।